स्वागत है आप सभी का आपके अपने हिंदी यूट्यूब चैनलों में एजुकेशन पॉइंट में। जैसा कि मैं आपको अब से पहले हर एक वीडियो में बता चुका हूँ कि जो अब से पहली वीडियो है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद मिलेगा, और अब से जो अगले वाली वीडियो आने वाली है उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद मिलेगा। तब तक आप इस वीडियो को देख रहे होंगे, शायद मे भी इससे अगली वीडियो आ जाए तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद मिलेगा। साथ ही साथ अभ्यास के लिए प्रश्नों की PDF का लिंक, उसके साथ एक वेबसाइट का लिंक जिस वेबसाइट में आपको फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ की सभी नोट्स और वीडियोस वहाँ पे आपको दिए गए हैं चैप्टर वाइज टेबल में एक में, वहाँ से आप वो वर्क कर सकते हैं और नोट्स वहाँ से अपना बना सकते हैं। फिर भी किसी बच्चे का कोई क्वेश्चन है कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं या फिर व्हाट्सएप पर आप पूछ सकते हैं। हम जल्दी से जल्दी उस क्वेश्चन का उत्तर देने की कोशिश करेंगे, लगभग 24 घंटे के अंदर उस क्वेश्चन का उत्तर हर हाल में देने की कोशिश करेंगे। तो आइए देखते हैं आज का क्वेश्चन, और मैं बताना चाहूँगा कि साथ ही साथ आप हमारा ये चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि नोटिफिकेशन जो आने वाला है सबसे पहले आपको प्राप्त हो। फिर जो वीडियो आप देख रहे हो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिए ताकि जो लाइक ज़्यादा से ज़्यादा हो जाए वो काफ़ी है। फिर साथ में कोई भी आपका क्वेश्चन है वो कमेंट बॉक्स नीचे दिया गया है, आप वहाँ कमेंट कर सकते हैं। आइए क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद क्वेश्चन है साइन थीटा माइनस 2 साइन की क्यूब थीटा अपोन में 2 कोस की क्यूब थीटा माइनस कोस थीटा इज इक्वल टू 10 थीटा आपको सिद्ध करना है। अभी ये साइड और ये साइड दो साइड है क्वेश्चन में आपको दी गई हैं पहली वीडियो में, और इस वीडियो में भी मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसमें त्रिकोणमिति अनुपात 2 दिए गए हैं और 4 जगह लिख कर दिए गए हैं अलग अलग। तो आप इस साइड को लेंगे तो क्वेश्चन आपका काफ़ी हद तक आसान और बहुत ही अच्छा हो जाएगा, लेकिन इस साइड को यदि लेके चलते हैं फिर आपका क्वेश्चन बहुत ही आसान नहीं होने वाला है। तो मैं आपको सजेशन दूंगा कि आप इसी साइड को लेके चलें, लेफ्ट हैंड साइड को। लेफ्ट हैंड साइड एक बार में हम लिख देंगे 2 साइन की क्यूब थीटा अपॉन 2 कोस की क्यूब थीटा, फिर यहाँ पे माइनस के कोस थीटा। लेफ्ट हैंड साइड हमने ले ली है क्योंकि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा त्रिकोणमितीय अनुपात कई जगह पर लिखे गए हैं, इसीलिए साइड को हम लेके चलेंगे। यहाँ से यहाँ तक आप देखते हैं दोनों पदों में ऊपर साइन थीटा है तो वो साइन थीटा हम कॉमन ले देंगे ऊपर से। जैसे ही आप यहाँ से साइन थीटा और यहाँ से साइन थीटा कॉमन लेंगे यहाँ पर 1 बचेगा, ये माइनस का चिन्ह वैसा ही, यहाँ पर पहले 2 बचेगा, फिर साइन की पावर 3 थी लेकिन एक पावर बाहर चली गई है तो 2 पावर यहाँ पे आपकी बचने वाली है। इसमें और इसमें आपको कोस दिखाई दे रहा है तो हम यहाँ से कोस थीटा कॉमन लेंगे, यहाँ पे ये वाला 2, यहाँ पे कोस एक बाहर चला गया है एक यहाँ पे बच जाएगा, यहाँ पे एक कोस बाहर चला गया तो 1 यहाँ पे आपका बच जाएगा। अब इसके बाद में आप यहाँ से इतना देख सकते हैं आपको टेन थीटा सिद्ध करना है और ये टेन थीटा ही बनेगा इतना, तो इसमें आपको कुछ छेड़खानी नहीं करनी है, इतने को साफ लेके चलना है। छेड़खानी आप इसमें करेंगे, इसमें भी मैं सजेशन दूंगा कि आप छेड़खानी करें नीचे, यहाँ पे आप फॉर्मूला लगा सकते हैं इसकी जगह पर, कोस की जगह पर कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये फॉर्मूला आप अप्लाई करेंगे कोस स्क्वायर थीटा की जगह पर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ पर साइन थीटा, यहाँ पर जैसा ब्रैकेट है वैसा ही, इसमें आपको कुछ भी नहीं करना है क्योंकि ये कट जाएगा आगे चलकर। फिर यहाँ पे है कोस थीटा, यहाँ पे अभी आपको एक बड़े ब्रैकेट की ज़रूरत पड़ने वाली है क्योंकि हम इसमें जो फॉर्मूला लगाएंगे तो 2 बाहर आएगा और यहाँ इसकी जगह पर आएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, वो जो मैंने उधर लिखा है वो, फिर माइनस का ये वाला 1 और ब्रैकेट आपका क्लोज। अभी आप इस 2 की गुना पहले यहाँ फिर इसमें करेंगे ऊपर का, और ये साइड का वैसा ही रखना है। लाइन खींच देता हूँ, ये मिटा दिया फॉर्मूला। अभी आपको साइन थीटा ये 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, नीचे में कोस थीटा, जब आपकी यहाँ मल्टीप्लाई इसकी 2 की मल्टीप्लाई आप यहाँ पे कर देंगे तो जाएगा 2 2 एकम 2, फिर यहाँ पे ये माइनस का चिन्ह और 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 ब्रैकेट बंद। अगली बार में अगले स्टेप में आपको काम करना है इतना, सिर्फ 2 में से एक घटाना है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, जैसे आप 2 में से एक घटाएंगे एक आएगा और यहाँ 2
साइन स्क्वायर थीटा। ब्रैकेट ये वाला और ये वाला सेम हो चुका है, आपने इसको काट दिया। फिर इसके बाद में जो बचा वो आपने लिख दिया, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा आपका होता है टेन थीटा। अब से पहले भी कई बार इस फॉर्मूले को मैं बता चुका हूँ, और ये ही आपकी होती है जो राइट हैंड साइड सिद्ध करने को कहा गया है, वही ये है। तो ये क्वेश्चन आपका प्रूव्ड हो चुका है, सिद्ध हो चुका है। इसी तरह से आप क्वेश्चन को करेंगे। यदि आपको क्वेश्चन में कोई बात, कोई टॉपिक इसमें रह गया हो, कोई पॉइंट समझ में नहीं आ रहा है, तो कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपको दोबारा से वीडियो भेजी जाए और उसमें जो आपकी प्रॉब्लम्स हैं वो दूर कर दी जाएँ बिल्कुल। अब से पहले भी हम दो वीडियो लगभग भेज चुके हैं जिसमें यही है, सवाल आपके और जवाब हमारा। आप क्वेश्चन करेंगे और हम उसका उत्तर देने की कोशिश करेंगे। आइए देखते हैं इससे अगला क्वेश्चन किस तरह से हम करने वाले हैं। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये भी और जो आगे आने वाला है वो भी। पूरे ध्यान से आपको देखते जाना, वीडियो को मिस नहीं। क्वेश्चन नंबर 5 का 8th क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन को एक बार पूरे ध्यान से आपको समझना होगा। दिया गया है साइन ए प्लस कोसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कोस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर, सिद्ध करना है आपको 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस के कोट स्क्वायर ए, सिद्ध करना है आपको। तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि लेफ्ट हैंड साइड आप यहाँ पे लेने वाले हैं, लेफ्ट हैंड साइड ये वाली। क्यों? क्योंकि इसमें कई त्रिकोण मिलते अनुपात कई दिए गए हैं और कई जगह पर लिख के दिए गए हैं अलग अलग, तो आपको पहले ये साइड लिखनी पड़ेगी पूरी, कोसेक ए का स्क्वायर प्लस कोसे प्लस सेक ए का होल स्क्वायर। अभी आपको करना ये है, इसमें भी स्क्वायर है, इसमें भी स्क्वायर है, फॉर्मूला लगाएंगे ये वाला, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस टू ए बी, ये वाला, इसमें अलग इसमें अलग, ये वाला फॉर्मूला आप अप्लाई कर देंगे इसमें। तो इसको अप्लाई करेंगे आप पहले यहाँ, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए प्लस टू साइन ए इंटू कोस ए, कहने का अर्थ ए का स्क्वायर ये बी प्लस बी का स्क्वायर प्लस टू ए बी। अब इसके बाद इसमें कोस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस टू कोस ए इंटू सेक ए, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस टू ए बी। तो इस तरह से फॉर्मूला एक्सटेंड किया है यहाँ पे। अब इसके बाद अब इसको ये सॉरी ये वाला कोसेक है, साइन स्क्वायर ए को साथ में इसको एक साथ लेंगे, फिर जो बचा हुआ है उसको लिख देंगे इसको और इसको, और फिर उसके बाद में जो और कुछ बचा हुआ है वो सब। तो हम सबसे पहले इसको साथ में लेने वाले हैं, किसको, साइन स्क्वायर ए अंडरलाइन कर दिया इतना प्लस कोस स्क्वायर ए, इन दोनों को साथ में लिया, फिर ये वाला टू साइन ए, और इसमें फॉर्मूला यहाँ पे आपने ये कोशेक ए है ये गलती से लिखा गया था, तो इसमें यहाँ पे आप फॉर्मूला लगाएंगे वन अपॉन साइन ए प्लस ये कोस ए, तो हमने उसके साथ में ले दिया, फिर आप इसको लिख देंगे सिंपली, इसको लिख के और सबसे लास्ट में इसको, और यहाँ से जो ये बचा हुआ है इसको, इसको लिखेंगे टू कोस ए मल्टीप्लाई बाय इसको फॉर्मूला लगाएंगे वन अपॉन कोस ए। अब जो जो बचा है, एक तो आपका ये बचा है ये वाला, एक आपका ये वाला, इनको सबको लास्ट में आपको लिख देना है, पहले कोशेक स्क्वायर ए फिर सेक स्क्वायर ए, जो जो बचा था हमने वो लिख दिया। अब आप देखेंगे इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल आउट, इतने की वैल्यू वन हो जाएगी, लिख देंगे इसको वन प्लस यहाँ से टू, दो एकम दो, दो एकम दो, टू ये वाला टू वो वाला, फिर प्लस का चिन्ह ये और ये, कोसेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए, इसकी जगह और इसकी जगह भी आप फॉर्मूला लगा देंगे, कौन से वाला, सेक स्क्वायर ए बराबर वन प्लस टेन स्क्वायर ए, कोसेक स्क्वायर ए बराबर वन प्लस कोट स्क्वायर ए, ये फॉर्मूले दोनों आप यहाँ पे यूज़ कर देंगे इस जगह और इस जगह।
दोनों फॉर्मूले यूज इसलिए करने हैं क्योंकि वहाँ पे आपका जो उत्तर आ रहा है, जो राइट हैंड साइड आपको लेके आनी है, उसमें एक तो सेवन है, साथ ही साथ उसमें ये कोशेक नहीं है, सेक नहीं है, तो ये आपको एलिमिनेट करना है। तो उसमें है टेन थीटा और कोट थीटा, फॉर्मूला ऐसा अप्लाई कर देंगे जिसमें कोट थीटा और टेन थीटा जाए। ये दोनों फॉर्मूले सेक और कोशेक की जगह अप्लाई करने पर कोट थीटा और टेन थीटा बन जाता है। इन तीनों को जोड़ने पर हो जाएगा दो दो चार और एक पाँच, फिर इसकी जगह वन प्लस कोट स्क्वायर है, इसकी जगह वन प्लस टेन स्क्वायर है। अभी आप पाँच और एक छः और एक ये वाला सात, फिर ये जैसा वहाँ पे लिखा हुआ वैसा ही टेन को पहले लिख देंगे, फिर प्लस कोट को बाद में लिख देंगे और ये आपकी हो जाती है राइट हैंड साइड, जो आपका क्वेश्चन है वो सिद्ध हो चुका है। इसी तरह से आपको क्वेश्चन कर देना है, पूरे ध्यान से आपको समझना है, फिर करना है। कहीं पे कोई भी किसी तरह का पॉइंट रह गया हो, समझ में ना आया हो, तो आप पूछ सकते हैं। अगला क्वेश्चन हम देखने वाले हैं इसके बाद में, लगभग इस एक्सरसाइज में एक दो क्वेश्चन और है, वो देख के एक्सरसाइज आपकी ख़त्म हो जाएगी। फिर हाइट और डिस्टेंस हम चला देंगे, हाइट एंड डिस्टेंस एक एक क्वेश्चन कराएंगे, पीडीएफ देंगे करने के लिए। इससे पहले लास्ट वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया, नाइन्थ क्वेश्चन मतलब क्वेश्चन नंबर फाइव का नाइन्थ पार्ट है। इसमें आपको दो साइड दी गई हैं, एक इधर और एक इधर, इसमें ज़्यादा दिया गया है, उसमें कम दिया गया है साइड में, तो लेफ्ट हैंड साइड लेके क्वेश्चन करना था। लेकिन संकेत में इसमें क्वेश्चन में ही दे रखा है, कह रखा है कि आप लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड को अलग अलग करिए, क्वेश्चन में ही कहा गया है। तो आप अलग अलग भी कर सकते हैं और ऐसा भी कर सकते हैं, राइट हैंड साइड इधर, लेफ्ट हैंड साइड इधर, जहाँ पे दोनों साइड इक्वल हो जाएंगे वहीं पे आपका क्वेश्चन हो जाएगा। तो ऐसा ही हम इसमें करने वाले हैं, क्वेश्चन में राइट हैंड साइड उधर चलेगी, लेफ्ट हैंड साइड इधर चलेगी, दोनों साइड एक साथ लेंगे, ऐसे ही होगा। आसान भी ये क्वेश्चन आपका ऐसे ही होने वाला है। एक क्वेश्चन को अभी से पहले वीडियो में भी हम बता चुके हैं कि दोनों साइड से वो काफ़ी आसान हो जाएगा, एक साइड से आसान नहीं होगा। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं, घबराने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। जब आप अभ्यास कर लोगे तो आपको भी ये चीज़ें पता लग जाएंगी कि किस साइड से कब किस जगह क्वेश्चन करना है। तो इस साइड में हम काम करने वाले हैं, दोबारा इसको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, और वो साइड में भी करने वाले हैं। सबसे पहले इसमें आप फॉर्मूला लगाएंगे वन अपॉन साइन ए, और एक साइन ए यहाँ पे मौजूद है, फिर इसमें लगाएंगे वन अपॉन कोस ए, एक कोस ए वहाँ पे मौजूद है उधर कोस ए, फिर इसमें भी आप फॉर्मूला अप्लाई करेंगे इस साइड में भी, यहाँ पे साइन ए अपॉन कोस ए प्लस कोस ए अपॉन साइन ए। ये सभी फॉर्मूले मैं आपको बता चुका हूँ, लिंक्ड वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद हैं सभी जो फॉर्मूले अभी तक अप्लाई हुए हैं उन सभी का, इसीलिए डायरेक्ट फॉर्मूले रख दिए हैं, अब आपको बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर अभी भी ज़रूरत है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, लिंक मौजूद है, क्लिक कीजिए, पीडीएफ फाइल डाउनलोड कीजिए और फॉर्मूले वहाँ पे से आप देख लीजिएगा। फिर भी मैं आपको एक बार समझा दूँ, कोशेक ए की जगह पर वन अपॉन साइन ए रखा, सेक ए की जगह पर वन अपॉन कोस ए रखा, टैन ए की जगह पर रखा साइन ए अपॉन कोस ए प्लस फिर कोट ए की जगह पर कोस ए अपॉन साइन ए। ये फॉर्मूला होता है, आपको याद करना पड़ेगा ज़रूर। आफ्टर इसके इसकी मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे, इसके नीचे वन लेंगे, इसके नीचे वन अपनी सुविधा के अनुसार, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे वन, इसकी यहाँ करेंगे साइन स्क्वायर ए, नीचे साइन ए ब्रैकेट बंद, इसके बाद इसकी मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे एक, इसकी यहाँ करेंगे कोस स्क्वायर ए, नीचे में कोस ब्रैकेट बंद कर दिया। ऐसा यहाँ पे इसकी मल्टीप्लाई यहाँ पे, इसकी यहाँ पे वन ऊपर है, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ पे करेंगे साइन ए, साइन स्क्वायर ए, यहाँ पे कोस स्क्वायर ए, नीचे में कोस ए साइन ए। यहाँ से आप इसको देख सकते हैं, ये फॉर्मूला इस तरह का होता है, वन अपॉन साइन स्क्वायर ए बराबर कोस स्क्वायर ए, यहाँ पे वन माइनस कोस स्क्वायर ए बराबर इसकी जगह लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए, और एक फॉर्मूला यहाँ पे लगेगा आपका कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए बराबर वन, तीनों जगह ये वाला यहाँ, ये वाला यहाँ, ये वाला वहाँ, तीनों फॉर्मूले आपके अप्लाई होने वाले हैं। यहाँ पे कोस स्क्वायर ए बनाएंगे अपॉन में साइन ए जो बचा हुआ है, फिर यहाँ पे बनाएंगे
साइन स्क्वायर ए, नीचे में कोस ए, इस साइड में वन अपॉन कोस ए इंटू साइन, इस तरह का हो जाएगा। सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर जाएगा ऐसे, इससे एक कोस कट जाएगा, इससे एक साइन कट जाएगा। यहाँ पे आपका बचेगा कोस ए इंटू साइन ए, इधर से जब ये ऊपर जाएगा ये भी आपका बन जाएगा कोस ए इंटू साइन ए। आप देख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों बराबर हैं। हम यहाँ पे लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू आर एच साइड, और ये आपका प्रूव हो चुका है। इसी तरह से आपको ये क्वेश्चन कर देना है अपने नोटबुक में भी, और बार बार कई बार करके प्रयास करना है ताकि क्वेश्चन आपको याद हो जाए किस जगह पर कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है और क्वेश्चन करना कैसे है। अगला क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है, उसको और देखते हैं इसी वीडियो में। अगली वीडियो हाइट एंड डिस्टेंस की रहेगी। 5 का 10th पार्ट है, 10th पार्ट में दिया गया है आपको 1 प्लस टेन स्क्वायर है अपोन में 1 प्लस कोट स्क्वायर है बराबर, तीन साइड अलग अलग दी गई हैं, 1 माइनस टेन टेन ए, 1 माइनस अपोन में कोट ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू टेन ए। आपको इससे भी टेन स्क्वायर लाना है, इससे भी टेन स्क्वायर लाना है तब भी ठीक है, इससे ये ले आएंगे, इससे ये ले आएंगे तब भी ठीक है, इससे ये, मतलब आप बराबर दिखा सकते हैं तीनों साइडों को ले जा कर के आगे सोल्व करके। अच्छा ये रहेगा कि इससे भी टेन स्क्वायर ले आएँ, इससे भी टेन स्क्वायर ले आएँ, वैसा ही हम करने वाले हैं। सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड ये लेंगे, इधर वाले ये वाले 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कोट स्क्वायर ए ब्रैकेट बंद। अभी मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक फॉर्मूला आपको ये वाला लिखवाया गया है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, एक कोसेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। इस तरह से आपको दो ये फॉर्मूले लिखवाए गए हैं, कई सारे 9 फॉर्मूले आपको लिखवाए गए हैं। सबसे पहले यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, इसकी जगह पर ये वाला, इसकी जगह पर ये वाला लिखेंगे यहाँ पे सेक स्क्वायर ए अपॉन में कोसेक स्क्वायर। अब सेक की जगह पर आप लिखने वाले हैं सेक स्क्वायर ए की जगह पर 1 अपॉन कोस स्क्वायर ए, और कोसेक स्क्वायर ए की जगह पर ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे हम, तो इसकी जगह पर आप लिखेंगे 1 अपॉन कोस स्क्वायर ए, इसकी जगह पर 1 अपॉन साइन ए साइन स्क्वायर ए, ये सबसे ऊपर जाएगा और ये यहाँ जाएगा। तो जब आप इसको सबसे ऊपर पहुँचाएंगे तो ये आपका इस तरह से हो जाएगा साइन स्क्वायर ए अपॉन में कोस स्क्वायर ए इज इक्वल टू टेन स्क्वायर ए, जो आपको साइड लेके आनी थी बराबर राइट हैंड साइड ये। तो एक तो यहाँ तक आपका ये हो चुका है, इस साइड से हम ये वाली साइड लेके आए हैं अभी भी ठीक है, अब आपको ये साइड लेनी है और फिर ये साइड लेके आनी है। अब हम ये ही करने वाले हैं, इस साइड को लेके वो वाली साइड लेके आने वाले हैं। फिर एक बार मैं आपको इसको समझा देता हूँ, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए 1 प्लस अपॉन में कोट स्क्वायर ए दिया गया है, ये दो फॉर्मूले दिए गए हैं, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए की जगह पर सेक स्क्वायर ए लिख दिया हमने इसमें, और 1 प्लस कोट स्क्वायर ए की जगह पर हमने लिख दिया कोसेक स्क्वायर ए। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये लिख दिया गया, फिर सेक स्क्वायर ए की जगह पर लिख दिया गया 1 अपॉन कोस स्क्वायर ए, और यहाँ पे इसकी जगह पर कोसेक स्क्वायर ए की जगह पर 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए। ये लिखने के बाद ये सबसे ऊपर जाएगा, ये यहाँ पे जाएगा घूम के, मल्टीप्लाई भी आप इसकी कर सकते हैं, यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन लगा के इसको ऊपर लिख देंगे साइन को, एक को नीचे तब भी हो जाएगा। फिर साइन स्क्वायर ऊपर कोस स्क्वायर नीचे, ये भी फॉर्मूला बनता है टेन स्क्वायर ए का। इस तरह से आप क्वेश्चन को कर सकते हैं। अब आप देखते हैं ये वाली साइड लेके वो साइड हम कैसे लाएंगे, तो इसको कैसे करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड सेकंड जो दी गई है आपको, लेफ्ट हैंड साइड सेकंड ये वाली 1 माइनस टेन ए अपॉन 1 माइनस कोट ए ब्रैकेट और इसका होल वर्क। सबसे पहले आपको मैं बताना चाहूँगा ये जो कोट दिया गया है इसको आप टेन बना देंगे कैसे, ये फॉर्मूला अप्लाई करके।
कोट ए इज इक्वल टू वन अप टैन ए। सबसे पहले यहाँ पे स्क्वायर आपको नहीं खोलना है, फिर क्वेश्चन बड़ा हो सकता है। वन माइनस टैन ए, इसमें आपने कर दिया वन अपॉन टैन ए, मतलब वन माइनस वन अपॉन टैन ए। जब इस तरह का हो जाएगा आप इसकी यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे वन माइनस टैन ए, जब इसके यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे ये आएगा टैन ए माइनस वन अपॉन में टैन ए और सारे का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ तो है टैन ए माइनस वन और यहाँ पे है वन माइनस टैन ए। यदि यहाँ से या यहाँ से कहीं से भी एक माइनस का चिन्ह कॉमन लिया जाए तो ये एक जैसा हो जाएगा। वही हम अब इसमें करेंगे, यहाँ से लेंगे एक माइनस कॉमन जो आपका इसके ब्रैकेट के अंदर ही रहेगा, इसको मिटा देंगे। यहाँ से जब माइनस कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा टेन, तो प्लस का हो जाएगा टेन ए माइनस वन। नीचे ये वाला वैसा ही टेन ए माइनस वन और ये नीचे टेन ए सबसे नीचे, इससे ये कैंसिल आउट, ये सबसे ऊपर जाएगा तो हो जाएगा माइनस का ये चिन्ह ये वाला और यहाँ पे टेन ए और इसका होल स्क्वायर ये वाला। जब आप इसका स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा आपका टेन स्क्वायर ए, ये वाला माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। क्यों? इस तरीके से जब आप इसका स्क्वायर करेंगे टेन ए मल्टीप्लाई बाय माइनस के टेन ए, तो माइनस माइनस ये वाला प्लस और ये हो जाएगा आपका टेन स्क्वायर ए। फिर दोबारा से राइट हैंड साइड आ चुकी है, आप इसको सिद्ध कर चुके हैं क्वेश्चन को। इसी तरह से क्वेश्चन आपको कर लेना है। आशा करता हूँ ये वीडियो और इससे पहली वीडियो सभी आपको बहुत पसंद आई होंगी। आज ये एक्सरसाइज आपकी ख़त्म हो चुकी है, कल से हम क्वेश्चन करेंगे ऊंचाई और दूरी के, हाइट एंड डिस्टेंस। तो सभी ऐसे ही बने रहें हमारे इस वीडियो चैनल पर। आपको कल से हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ाना हम स्टार्ट करने वाले हैं। लगभग 5 से 6 क्वेश्चन कल आपको दे दिए जाएंगे करने के लिए। इस एक्सरसाइज के भी आज आपको क्वेश्चन दे दिए जाएंगे। अब हम करते हैं साइन आउट, फिर मिलते हैं आपसे कल और नई वीडियो लेकर ऊंचाई और दूरी की। मिस कुछ नहीं करना है, टेबल आपको याद कर लेनी है, टेबल के उसमें बहुत ज़्यादा टेबल का यूज़ है और सभी फॉर्मूले आपको याद रखने हैं हमेशा, ताकि आपको कहीं पे कोई भी किसी तरह की प्रॉब्लम ना आए।